बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर चार इनामी नक्सली सहित 28 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 26 नवंबर प्लाटून सदस्य मंगलू दोलाखा इनामी नक्सली है, जिसमें 52 कवासी कटे कल्याण एलओएस सदस्य 1 लाख का इनामी था। हांदा एलजीएस सदस्य था। कोडियामी गंगी सीएनएम कमांडर 1 लाख का इनामी नक्सली था। कटे कल्याण थाना क्षेत्र के चिकपाल कैंप में सभी ने पूर्व समर्पित नक्सली राजू मिकडोम के प्रभाव से सरेंडर किया है। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने सभी को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, वाकई बहुत बड़ी, हम देखें तो एक उपलब्धि की तरह देखें, बहुत अच्छी बात ये हमारे लिए हुई है कि नक्सलियों ने खुद आत्मसमर्पण किया है। बिल्कुल, पुलिस के लिए और जनमानस के लिए एक बड़ी बात है कि नक्सलियों ने खुद यहाँ पर आकर आत्मसमर्पण किया है। 28 नक्सली पहुंचे हुए समर्पण के लिए, जिसमें से 4 बड़े क्रेडर के नक्सली हैं। 26 नंबर प्लाटून सदस्य मंगलू है, 2 लाख की इनामी है। कई 52 है, 1 लाख का इनामी है। जी एस हांडा है और पुणियामी गंगी है। और ये सभी जो नक्सलियों का समर्पण है, पुलिस ने कटे कल्याण के दुर्दान जंगल चिकपाल पड़ता है वहां पर एक नया कैंप खोला है। कुछ दिन पहले ही एक समर्पण इस एरिया से हुआ था, जिसका नाम राजू मिडकोम था। और उसके समर्पण के बाद ही ये सारे के सारे लोग आकर के समर्पित हो गए। दंतेवाड़ा एसपी के साथ में जिला प्रशासन की टीम भी वहां मौके पर पहुंची हुई थी। सभी समर्पित नक्सलियों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। और साथ में जो छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति है, उसकी योजना के अंतर्गत जो भी उन्हें लाभ मिल रहा है, वो उसे कराने का दावा एसपी कर रहे हैं। जी, जानकारी को साझा करने के लिए। और उमरिया हवा